क्या हो रहा है आपको? आधा सर दर्द कर रहा है। किस तरफ का? ये सर का। हाँ। ये पूरा भारी रहता है, इससे अभी गर्दन की नसें पीठ पूरी दर्द करती है। कंधों में दर्द? जी कंधों में भी दर्द। दोनों कंधे? नहीं सर, इसमें नहीं है उतना, इसमें बहुत ज्यादा है। ज्यादा एक ही तरफ आ रहा है, राइट साइड में ज्यादा आता है। कोई काम नहीं कर सकती। रोटी रोटी दे रहे हो? जी नहीं, मतलब थोड़ा सा भी अगर जोर देती ना तो इतने जोर से ये नस हो जाती है कि ऐसा लगता रोने लग जाओ, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और पीछे यहाँ नीचे आपका इस सब का दर्द? ये जी सर, ये इस साइड से दर्द है। एक ही तरफ? टांग में तो नहीं दर्द जा रहा? नहीं नहीं। ये कितने टाइम से आपको ये दिक्कत आ रही है? सर 7 साल तो परमानेंट हो गया। 7 साल हो गया? 7 साल आप झेल रहे हो इसको? ठीक है। एक्सरे वगैरह कुछ है आपके पास? नहीं नहीं, एक्सरे करवाना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी सोने के टाइम आपको कैसे लग रहा है? नींद आती है? नहीं नहीं आती नींद। जैसे होता है ना जब खा लिया नहीं है बस सोना है, नहीं वैसी नींद नहीं आती है। मजबूरी में आंख बंद किए हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, करवटे बदलती हूँ, तब जाके कहीं नींद आती है। और जब सुबह उठती हूँ तो बहुत ज्यादा सर भारी रहता है, मन नहीं करता है उठने का। हाजमा कैसे है पेट का? ठीक है सर। खाना ठीक नहीं करता है? लैट्रिन वगैरह ठीक आती है? ठीक है। चलो अभी थोड़ा जायजा करते हैं क्या दिक्कत है। वैसे आपकी MRI जो दिखाई है ब्रेन की, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, वो कोई नॉर्मल दिखा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ दर्द आपका पहले शुरू हुआ, उसके बाद गर्दन का दर्द है, फिर कंधों का दर्द है, और नीचे फिर अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अभी इधर साइड तो नहीं है दर्द, इसमें ही है। हाँ ठीक है। यहाँ दबाने से आपको, ऐसे से दबाने से आपको दर्द आ रहा? नहीं सर नहीं आ रहा। जहाँ दर्द हो तो बहुत बता देना। नहीं नंबर C6 यहाँ दर्द होगा है? हाँ, C6 में है। यहाँ दर्द कितना है? दर्द तो नहीं है? नहीं। इस तरफ? दो नंबर में सामने आया है ना? 2 नंबर ठीक है? नहीं। गुस्सा बहुत? गुस्सा करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा हल्का रखना, कंधा नहीं हिलाना। बस 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 बस। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले से कैसे लग रहा है आपको? कुछ हल्का महसूस हो रहा है? हाँ तो पूछो। हाँ अब ठीक लग रहा है? हल्का हो गया? कुछ भारीपन निकला वहां से? अब गर्दन हिला के देखो कहीं दिक्कत आ रही है? 6 भी है ना, लगा भी है। 6 भी एडजस्ट हो गया। 7 साल का वो एक अपनी जगह पर फंसा हुआ है, वो हिलेगा तो। दवाई तो बहुत किया ना, इधर उधर कोई कुछ खिलाओ, कोई ये करो तो वो करो, अंग्रेजी दवाई बहुत, दवाई बहुत खाए। अच्छा बहुत ज्यादा दवाई खाना। थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब देखो श्रीलंका हो गया, बोझ उतर गया जो सर में बता रही थी, बोझ है जैसे जी, बहुत भारी लग रहा है। अभी भारी लग रहा है? नहीं, अभी हल्का है। अभी हल्का। कंधा देखो, राइट साइड का दर्द होगा, उठा के देखो। उठाने में नहीं दिक्कत होती है सर, तो जैसे कोई काम जोर से कर लेती हूँ या करो, कोई भी काम ऐसे पकड़ने की कोशिश करो। बहुत जोर से इसमें ना पेन होने लगता है, ये एकदम से अभी अभी बोलो, अभी क्या बोलो, पहले की बात तो खत्म होगी। अब उठा के देखना है, अभी देखो कोई चीज उठा के खींच के देख लो, खींच के ऊपर ऐसे मुट्ठी बांध के जोर लगा के देखो, ये लो इसको उठा के देखो। तो यहाँ यहाँ से उठाओ, किनारे उठाओ, ये इस चीज में ना जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है। कोई बात नहीं, ये तुरंत आराम मिल जाना, तुरंत आराम। तो वही चीज बोलते ये गांव में रहती है वैसे। अच्छा हाँ, तो फिर यहाँ आए हैं। हाँ, फिर यहीं तक बुलाना का, चलो थोड़ा इलाज हो जाए तो बात। बैठा दे, हल्का बेजान बनाते हो। इधर देखो ये दर्द गया यहाँ से, हाथ उठा के देखो, हल्का हो गया। ये सर दर्द करता है, ये है कोई बात नहीं। लेफ्ट ठीक है, राइट हिला। इस साइड नहीं होता सर, है इस साइड नहीं हो पाता है, बहुत इस साइड मतलब तो परेशानी होती है। हाँ वो पता है। ये दोनों हाथ ऊपर करो, इधर वो क्रॉस करो। हाँ अरे बाप रे, सीधी होगी यहाँ पे, जो कर्वेचर होना चाहिए इस तरह से, इस तरह से, ये चीज नहीं है, इनकी पूरी सीधी है। ठीक है, अब अगर इसको आगे धकेल दिया जाए इस तरह से, गर्दन सीधी करो। अब कैसे लग रहा है बैठने में? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इस तरह से बैठना है, ये पोस्चर होना चाहिए। इनका क्या है ना, ये बाहर निकला हुआ है, ये सीधा हो गया है। ठीक है, अब इसको अंदर करना है। अब पीछे झुकना, तो पीछे हाँ इस तरह से। दर्द आ रहा है फाइव यहाँ नहीं, ज्यादा है, ज्यादा काम हो रहा है। यहाँ यहाँ देखो झुको झुको झुको, ये ज्यादा आ रहा है, ये L4 L5 L4 L5 में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। अब स्क्लेरोसिस है, स्पाइन बेंड है। हाँ एज कितनी है? एज 26। टेल बोन थोड़े या राइट साइड में, यहाँ दर्द तो नहीं है? स्पाइन कितने है जाके? आ सेंटर है, स्पाइन कितने है? आ सेंटर है, स्पाइन कितने है? टेलबोन कितने है, स्पाइन कितने है? आउट हो गया पूरा। इसको कोई बात नहीं, इसको ऐसे करो, ये पकड़ो इधर, इसको ये सीधा रखो, टाइट नहीं करना, एकदम ढीला रखना, शरीर शरीर पूरा ढीला रखो। स्पीड बढ़ गई, हंसी भी आ गई, जब मगुजिल सी आई थी अब हंसी आ रही है। चलो अब कैसे लग रहा है? अब ठीक है। कंधे का दर्द में वो इधर इधर बता रही थी, वो भी कम है। कम है जी। देख रहे हेड की दवाई लिखी है जेब में, सवेरे भी खाई है दवाई। खाना मतलब बीमार होना, बीमार होना। सवेरे खाई है मतलब 8:45 बजे। कौन सी है? हेड फ्री। अच्छा हेड फ्री। लगातार 8 साल से सर दवाइयां ही खा रहे हैं, यही दवाई खा रहे हो 8 साल से? जी सर, मतलब ये अभी 3-4 साल से खाना शुरू की हूँ। बाद बाकी की दवाइयाँ लगातार 8 साल से, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, एक साथ मतलब 2-2, 4-4 इंजेक्शन। कमर सारी सुन्न पड़ गई इंजेक्शन लेते लेते। अब हल्का लगने लग गया जी सर। किसी ने बोला आँख की प्रॉब्लम से सर दर्द करता है, वो भी 6 महीने दवाई खाया मतलब पिंड में। मतलब एक से एक जो डॉक्टर है ना हमारे यहाँ, और मतलब जिसके पास आप गए हो जो सलाह देता है, हाँ, उसके पास जाए। तो क्या कंप्लेन आ रही है? ये चीज मत दर्द करती है। अभी कर, अभी अभी की बात, अभी हल्का हल्का दर्द, बस हल्का हल्का दर्द करना। अब का बताओ, बस पहले जो था उसको छोड़ दो। अब देखो अब क्या है? अभी हल्का लग रहा है, बस अभी हल्का लग रहा है। एक बार और इनको आना पड़ेगा, ये सेट करेंगे। ये थोड़ा अंदर घुसा, देखो ये हमारा जैसे अंदर गया हुआ ना इनका, ये चीज बाहर है। ठीक है ठीक है, इसको अंदर करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेट आ जाए। एक्सरे करके फिर आना। ठीक है ठीक है, आपकी एक और सेटिंग लेंगे, उसके बाद आप ओके हो जाओगे, सारे प्रॉब्लम आपकी खत्म, नॉर्मल लाइफ आपकी जियोगे। ठीक है जी सर, वही चाहिए। बहुत मतलब दवाइयाँ इंजेक्शन, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चिड़चिड़ा सा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, 2 बच्चे हैं, कितनी परेशानी होती है। घर में हम काम कर रहे हैं, इधर देखें उधर देखें, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है।